स्टार्ट करते हैं एक नई वीडियो के साथ। सो वेलकम टू मिस्टर कैल। सो आज की जो हमारी वीडियोस हैं वो स्केचिंग की कुछ और कमांड्स हैं, जिसके अंदर सर्कल हो गए, एस लाइन होगी, रेक्टेंगल होगी, इनके ऊपर डिपेंड करेंगी। और इनकी सारी एक्सप्लेनेशन जो है मैं आज आपको इस वीडियो में बताता हूँ। सो आप वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने सॉलिड वर्क्स ओपन कर लेना है। सॉलिड वर्क्स ओपन कर लिया है, उसके बाद आपने न्यू में जाके एक न्यू विंडो या न्यू पार्ट डिज़ाइन कर लेना है। तो ये पार्ट आपने सेलेक्ट किया, और उसके बाद ये इंटरफेस आपके सामने आ गया, ठीक है। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये लाइन कमांड और इसकी स्केचिंग और इसकी स्मार्ट डायमेंशन वगैरह सब कुछ प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर देख भी सकते हैं। तो आज जो है मैं आपको इसके और फीचर्स जो हैं वो सर्कल हो गया, स्प्लाइन हो गया, रेक्टेंगल, इनके मुतालिक बताऊँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने प्लेन चूज़ कर लेना है। इसके ऊपर या तो आप नॉर्मल ड्रॉ हो जाए, या आप स्केचिंग में जाके कर सकते हैं, स्केच कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले सर्कल सेलेक्ट कर लेना है। तो सर्कल सेलेक्ट किया, तो जितना आपको सर्कल चाहिए तो वो आपने उतना यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो इसकी डायमेंशंस के लिए या तो आप यहाँ नीचे जाएंगे तो नीचे जाके भी इसकी डायमेंशन इंटर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ 50 इंटर किया तो ये 50 का हो गया और ओके कर दिया। उसके अलावा अगर आप स्मार्ट डायमेंशन चाहते हैं तो तब भी आप इसे कर सकते हैं। जैसे वो रेडियस था तो ये डाया है, ठीक है। जैसे डाया 100 है तो अगर मैं इसे डाया 50 करना चाहता हूँ, यानी कि इसका रेडियस जो है वो 25 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो आप यहाँ से जाकर भी इसको इसकी डायमेंशन जो है डायमेंशनिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये सर्कल हो गया। उसके बाद एक पैरामीटर सर्कल आता है, ये 3 पॉइंट सर्कल होता है। तो ये कैसे वर्क करता है ये भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, आपने एक पॉइंट ये सेलेक्ट किया, ठीक है, दूसरा पॉइंट ये सेलेक्ट किया। अब आपको एक थर्ड पॉइंट भी सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। जैसे ये वाला सर्कल जो था ये 2 पॉइंट सर्कल इसे कह सकते हैं आप, ये वाला जो है ये 3 पॉइंट सर्कल है, ये लाइक दिस। तो यहाँ पर जाकर आप ये 3 पॉइंट सर्कल बना सकते हैं, ठीक है। और इसकी भी डायमेंशनिंग अगर आपने करनी है तो या तो आप स्टार डायमेंशन में जाएँ, यहाँ से डायमेंशन कर लें, या फिर आप जो सर्कल ड्रा कर रहे होते हैं तो उस टाइम में भी आप इसकी डायमेंशन साथ में जैसे मैंने बताया वो कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको 25 किया तो ये ओके। तो ऐसे आप जो सर्कल है ये 2 पॉइंट सर्कल है और ये 3 पॉइंट सर्कल है, यूँ आप इसे ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास एसपी लाइन है। एसपी लाइन के अंदर तीन है, एक एसपी लाइन है, एक स्टाइल एसपी लाइन है, और एक इक्वेशन ड्रिवन कर्व है, ठीक है। ये जो थर्ड वन है ये जो है ये अभी इसके ऊपर नहीं डिस्कस करेंगे, इसे बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये जो दो हैं ये आपको मैं बता देता हूँ। एसपी लाइन जो होती है ये कर्व लाइन के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। जैसे आपने कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट लिया और जैसे आपको कर्व चाहिए आप उस शेप के अंदर इसे ड्रा कर सकते हैं। ये देखिए लाइक दिस, आप इसे ड्रा कर सकते हैं। अगर आप इसे क्लोज़ करना चाहते हैं तो ये आप इसे ये क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसी आपको शेप चाहिए उस शेप के अंदर आप इसकी ज्योमेट्री जो है वो बना सकते हैं। ये एसपी लाइन है। उसके बाद स्टाइल एसपी लाइन जो होती है वो जो होती है वो थोड़ा कह लें आप के रेफरेंस लाइन यूज़ करते हुए वो लाइन ड्रा की जाती है, और वो थोड़ी स्मूथ होती है। जैसे ये देखें आप, अगर आप यूँ ड्रा करें ये देखें ऐसे, आप कोई भी रेफरेंस लाइन के ज़रिए से इसे ड्रा कर सकते हैं। और ये देखें इसके अंदर जो ज़्यादा कर्व है वो भी इतनी नहीं होती, जैसे कि आप ये इसके अंदर देख सकते हैं, देखें और इसमें फ़र्क, तो ये ज़्यादा स्मूथ होती है, ठीक है। ये एसपी लाइन और ये स्टाइल एसपी लाइन, इसके मतलब भी आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद आगे आती है हमारे पास रिक्टेंगल। रिक्टेंगल के अंदर कॉर्नर रिक्टेंगल है, सेंटर रिक्टेंगल है, 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट कॉर्नर है, 3 पॉइंट सेंटर है, और पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो इसके मतलब भी बता देता हूँ आपको, और साथ साथ ड्रा भी कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जैसे आप कॉर्नर रिक्टेंगल है तो आप इसके लिए कोई भी कॉर्नर सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं ये एक ऐसा कॉर्नर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और दूसरा कॉर्नर जो है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे ये ऐसा सेकंड कॉर्नर मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और अगर आपने इसकी डिमेंशनिंग करनी है तो आप यूँ इस लाइन पर क्लिक करें, यहाँ पर इसकी डायमेंशन एंटर कर लें। जैसे मैं इसे 30 कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर मैं इसकी डायमेंशन एंटर कर देता हूँ 40 कर देता हूँ, ठीक है। तो आपने इस या तो स्केप करके आप इस कमांड से बाहर आ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, या आप राइट क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे तो आप कमांड से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। ये जो है ये कॉर्नर रेक्टेंगल।
ठीक है। तो ये उसके बाद आता है सेंटर रेक्टेंगल। सेंटर रेक्टेंगल को आप कैसे कह सकते हैं, आप किसी भी सेंटर से रेक्टेंगल ड्रा करिए, देखिए यूँ आप ऐसे सेंटर रेक्टेंगल जो है वो ड्रा कर सकते हैं। इसकी लेंथ भी आप अपनी मर्जी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप यहाँ जाकर इसकी जो लेंथ है विड्थ है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या तो फिर आप जो सिंपल तरीका है स्टार्ट स्मार्ट डायमेंशन का, आप वहाँ से भी इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये देखें, मैं इसे कर देता हूँ 80। इसके अलावा अगर मैं ये यूज कर यहाँ से इसकी भी जो है करता हूँ तो ये हो जाए, अगर मैं इसे भी 80 करता हूँ तो ये 80, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, मैंने जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब एक ही जगह पर काफ़ी सारी डिमेंशन इकट्ठी हो जाती है तो आपको समझने में और करने में मुश्किल होती है। तो इसके लिए आपने यहाँ पे शो में जाना है। शो में जाने के बाद आपने यहाँ से हाइड कर देना है। तो जस्ट हाइड करेंगे तो ये यहाँ पे कोई भी डिमेंशन शो नहीं होगी। अपना पार्ट डिज़ाइन करने के बाद आप इसे दोबारा क्लिक करेंगे तो आपकी डिमेंशन अब दोबारा शो होने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ही सेंटर रेक्टेंगल। उसके बाद 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल है। इसके जैसे नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर 3 पॉइंट्स होंगे और वो कॉर्नर में सेलेक्ट किए जाएंगे। जैसे ये फर्स्ट पॉइंट आपने सेलेक्ट कर लिया, ये सेकंड पॉइंट आपने सेलेक्ट कर लिया, और ये थर्ड पॉइंट आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यूँ आप इसे 3 पॉइंट कॉर्नर, एक ये फर्स्ट कॉर्नर हमने ये लिया, सेकेंड कॉर्नर ये लिया, और थर्ड कॉर्नर ये लिया, और ये जो है रेक्टेंगल हमारे पास ड्रा हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है, थ्री पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल, ठीक है। इसके अंदर एक सेंटर होगा और दो जो पॉइंट्स होंगे वो अलग से लिए जाएंगे। जैसे फर्ज करें इसी को मैं इसी का सेंटर इस्तेमाल कर लेता हूँ, ये एक सेंटर हो गया, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट, और ये देखें ये 3 पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट जो मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है। ये जो है हमारे पास सेंटर रेक्टेंगल, 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल, क्योंकि इसके अंदर एक सेंटर से लेंगे, ठीक है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा। उसके बाद दो दो पॉइंट्स होंगे वो आप कोई भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। उसके ऊपर लेलोग्राम ये जो होती है रेक्टेंगल की तरह की तो नहीं, मतलब ड्रा उसी तरीके से होती है, लेकिन इसके अंदर जो एंगल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको ये भी आपको ड्रा करके बता देता हूँ। देखें ये आपने लिया, और ये देखें ये आप एंगल इसका सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, जैसे ये आपको साथ में शो भी हो रहा होगा, ठीक है। ये देखें ये हमारे पास पैरोग्राम हो गई है ड्रा, ठीक है। इसकी डायमेंशन भी आप देख लें यहाँ से, जूम इसकी डिमेंशन कर सकते हैं 790 कर दिए। अगर आप एंगल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो अब ये वाली और ये वाली और ये, यहाँ से आप इसका, जैसे मैंने आपको जब आपको लाइन कमांड से रिलेटेड बता रहा था तो मैंने डिमेंशन को एक्सप्लेन किया था अच्छे तरीके से। तो आप अगर मैं इसका एंगल 80 करता हूँ तो ये देखें तो एंगल चेंज हो गया, 80 हो जाएगा। आप इसे यहाँ, ठीक है, यूँ ड्रैग भी कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ आपको इजी लगे आप इसे ट्राई करके भी कर सकते हैं, ठीक है। ये थी हमारे ऊपर लेलोग्राम, ठीक है। तो आज जो है हमने सर्कल की कमांड, जिसके अंदर सर्कल और पेरीमीटर सर्कल ये की है, उसके अलावा एसपी लाइन की है, और उसके अलावा हमने ये रेक्टेंगल और इसके अंदर जितने भी इसकी आगे टाइप्स थी फर्दर उनको डिस्कस किया है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए, बस इतना ही। तो अगर आपको समझ आ गई हो और अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। तो नई नई वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर।